हेलो गाइस एंड वेलकम टू फूडी मेनिया। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी, अलसी और गोंद के लड्डू। सो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने गोंद, मखाने और कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले से ही रेडी करके रख लिए हैं। सो अब हम लेंगे घी और उस घी में हम ऐड कर देंगे आटा। ये नॉर्मल सिंपल व्हीट है, इस पे कुछ भी नहीं है और भी किसी और तरीके का आटा भी एडेड नहीं है, केवल सिंपल आटा ऐड है। और इसको हम अच्छे से घी में चला लेंगे। सारा आटा आपको एक बार में ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा घी और थोड़ा थोड़ा आटा आप उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए ऐड करते जाइए। सो हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको उसको लगातार चलाते रहना है। सो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सही से हो गया है। उसके बाद हम इसमें ऐड की करेंगे मेथी। ये पिसी हुई मेथी है और मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मेथी ली है। सो मेथी आप जानते हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए लड्डू काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी है 100 ग्राम पिसी हुई अलसी। इसमें मेथी और अलसी है, बट डोंट वरी, ये कड़वा नहीं होने वाला है। अभी हम इसमें अभी और शुगर भी ऐड करेंगे। सो गाइस, ये मेथी, अलसी, गोंद, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। कोरोना का टाइम है तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड किए थे ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हमने बादाम ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको इसको चलाते रहना है जिससे ये नीचे चिपके नहीं। ये सर्दियों के लिए, ये सर्दियों में आपको ये लड्डू तो बिल्कुल ट्राई करने चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं ये। और काफ़ी अब तो हमारे पेरेंट्स को, सभी को कोई ना कोई शुगर, डायबिटीज़ ये सब प्रॉब्लम रहती ही है। सो उनके लिए आप बनाइए, बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे और उनके लिए अच्छा भी रहेगा। कुछ बच्चा धर्म निभाओ यारो। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने और भी ड्राई फ्रूट्स डाले थे जैसे कि किशमिश और गोला, इसको बोलते हैं कोकोनट। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है सौंठ। सौंठ एक्चुअली सूखी हुई जिंजर का पाउडर होता है। सो अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उसको भी लड्डू काफ़ी फायदे करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सारा बैटर ये जो बनाया था अभी, वो सब गोंद में और मखानों में उनकी एक थाली में निकाल लिया है। मैंने गोंद और मखानों को थोड़ा मैश कर लिया था और इनको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे बूरा। यहाँ पे वाइट शुगर बोल दें इसको, बट इसको एक्चुअली तो बूरा बोला जाता है। कभी कभी बूरे के नाम पे आपको पिसी हुई चीनी भी पकड़ा दी जाती है शहरों में, बट वो बूरा नहीं होती है, बूरा इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये काफ़ी हेल्दी और अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। आप चाहें तो इनको लड्डू बना लें इनके, या इनको बर्फी की तरह सर्व करें, ऐसे ही कटोरी में दे दें जैसे सांधा आपने सुना होगा उसकी तरह। सो लड्डू बन के हो गए हैं रेडी और अब आइए हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं ज़्यादा मीठे की शौकीन नहीं हूँ तो मैंने छोटा सा, खैर सभी बड़े हैं। ओके, तो हम जैसे कि इसमें मेथी डाली थी, बड़े कड़वे नहीं है और ये काफी टेस्टी है। सो आप इनको ट्राई करें तो मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।